नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। खबर है जोधपुर से, जहां आज 10:30 बजे क्षेत्रीय जनता द्वारा विरोध करने के लिए 2 सेक्टर कुड़ी भक्ता सनिया हाउसिंग बोर्ड शराब ठेके के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। जैसे जैसे करके शराब ठेका बंद हुआ, फिर से चालू कर दिया गया। इसके विरोध में क्षेत्रीय जनता ने इकट्ठा होकर विरोध करते हुए अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कार्यवाही की जाएगी। मुख्य बाजार 2 सेक्टर में सभी बहन बेटियों का आना जाना लगा रहता है। शराब ठेके से नुकसान हो सकता है और बाहर झोपड़ी बनाकर पीने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। इस पर मार्च में लोकेशन भी कैंसिल करवा दी गई थी, उसके बाद भी 2 महीने बंद रखा गया और आज अचानक ही वापस शुरू कर दिया गया। बिना परमिशन के यह ठेका खोला गया है। परमिशन होते 2 महीने तक बंद नहीं रखते। बाईपास पर नया ठेका लगा हुआ है, फिर आबादी क्षेत्र मुख्य बाजार सरकारी प्राइवेट स्कूल के पास में होते हुए सरकारी ठेका खोला गया है। विधायक महेंद्र सिंह जी विश्नोई को भी इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। बंद हुआ ठेका अचानक से कैसे खुल गया? मैं सेक्टर नंबर 2 मुख्य बाजार में एक शराब का ठेका था, काफ़ी वर्षों से चल रहा था, जो इस बार प्रक्रिया करके ये हमने बंद भी करवा दिया, जो मार्च 31 मार्च के बाद में बंद हो गया था। 31 मार्च से कंटिन्यू बंद था, 2 महीने से इसका कोई गतिविधि नहीं और बंद पड़ा था। अचानक ही कल इन्होंने साफ़ सफाई की और आज सुबह हमारे यहाँ पर शराब का ठेका ओपन कर दिया, जबकि कागजी कार्रवाई में ये मेरे हिसाब से अलीगल है। जो ये शराब का ठेका था, इसको बाईपास की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, इसरो छतरी के पास। आज हम लोग वहाँ गए, हमने विरोध प्रदर्शन भी किया और हमने उस ठेकेदार से यही पूछा कि भाई आपको परमिशन किसने दी शराब ठेका चलाने का? भाई पिछले 2 महीने से 31 मार्च से कंटिन्यू शराब का ठेका बंद है और आज अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि ये शराब का ठेका ओपन हो गया? और वो बंदा बोलता है कि मेरे पास परमिशन है। हम लोगों ने बोला आपके पास परमिशन है तो हमें परमिशन दिखाई जाए। बोले हम आपको शाम तक परमिशन दिखा देंगे और नहीं तो शराब का ठेका यहीं चलेगा। और ये शराब का ठेका हमारे मेन मुख्य बाजार में आता है, जिससे हमारी बहन बेटी है सब निकलती आती जाती है और व्यापारी बंधुओं को भी समस्या होती है। रहवासी क्षेत्र है, रहवासी क्षेत्र के अंदर ये शराब का ठेका बिल्कुल, इसके लिए तो हम लगभग पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे, जो इस बार सरकार ने हमारी ये समस्या सुनी और 31 मार्च को ये शराब का ठेका बंद कर दिया। अब ये पता नहीं क्या हुआ, जो कल ये करीब 25 मई को अचानक ही चालू हो गया, 2 महीने से बंद पड़ा था, कोई भी नहीं थे, ताले लगे हुए थे और आज हम सुबह गए तो वहाँ पर शराब बिकती हुई नजर आई। R9 भारत के लिए किशन कायत की रिपोर्ट, जोधपुर।